हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है 1/4 कप, और फिर मैंने लिए हैं 3 तेज़पत्ता, 10 लौंग, 2 चक्रीफूल या स्टार एनीस, 3 बड़ी इलायची, 10 छोटी इलायची और दालचीनी है 2 इंच। फिर मैंने यहाँ लिया है शाही जीरा 1 टेबलस्पून, और ये है दगत फूल यानी पत्थर के फूल, ये हमने लिए हैं 5 ग्राम, और इसे कहते हैं मराठी मोकू, ये हमने 2 लिए हैं, और 10 काली मिर्च ली हैं, और 2 जावित्री है, और आधी जायफल यानी 1 जायफल को आधे में मैंने हिस्से में काट लिया था। तो अब हम सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, यानी कि हमें इसे रोस्ट करना है। इसे चलाते रहें, थोड़ा हिलाते रहें। तो इसे आपको 3 से 5 मिनट ही भुनना है। जैसे ही इसके खुशबू आने लगे तब आप फ्लेम को बंद कर दें। तो हमारे मसाले भुन चुके हैं, अब इन्हें ठंडा होने दें। जैसे ही मसाले ठंडे हो जाए हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। आप चाहे तो दरदरा भी पीस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बिरयानी मसाला अब रेडी है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।